संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। दोस्तों, अक्सर हमारे दिन के खाने में अंडे का एक बहुत बड़ा भूमिका है। ज्यादातर हम जो अंडे खाते हैं वो मुर्गी के अंडे होते हैं और ये सफेद रंग की होती है। लेकिन दुनिया में ऐसे भी कुछ जीव हैं जिसके अंडे देख के आप हैरत में पड़ जाओगे। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही कुछ प्राणियों के अंडों के बारे में बताऊंगा जिसे आप शायद कभी नहीं देखे होंगे। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। नंबर 10, अमेरिकन रॉबिन नाम की ये पक्षी चमकदार नीले रंग की अंडे देते हैं। आकार में ये एक छोटे साइज की मुर्गी के अंडे जैसा होता है। इसके अंडे के नीले रंग के पीछे ब्लीवर डीन नाम का रंजक होता है जो मादा पक्षी अंडे के ऊपर डालती है। अंडे देने के बाद पुरुष पक्षी इसका खास ख्याल रखते हैं और सुरक्षा भी देते हैं। अंडे के नीले रंग इसे सूरज के अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाते हैं। नंबर 9, टिनामाउ। हो सकता है कि आप इस पक्षी को पहली बार देख रहे हो। दुनिया के ज्यादातर लोगों को इस पक्षी के बारे में पता नहीं है। ये पक्षी बहुत शर्मीले स्वभाव के होते हैं और ये इंसानों से दूर ही रहते हैं। इसके अंडे बिल्कुल अलग होते हैं और इसके अंडे बहुत चमकीले और रंग बिरंगे होते हैं। मादा पक्षी अंडे देने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और नर पक्षी उस अंडे को सुरक्षा देते हैं। इसके अंडे बहुत सारे रंग के होते हैं और इसका आकार किसी मुर्गी के अंडे जैसा होता है। नंबर 8, एमू। शुतुरमुर्ग की तरह दिखने वाला इस पक्षी को ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। इसके एक अंडे मुर्गे के अंडे से लगभग 10 गुना ज्यादा बड़े होते हैं और ये डार्क ग्रीन कलर के होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसके अंडे से कई सारे रेसिपी बनाए जाते हैं जो वहाँ के लोकल लोग काफी पसंद करते हैं, पर इस अंडे के खोल बहुत ज्यादा सख्त होते हैं जिसकी वजह से इसे तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना होता है। नंबर 7, मादा ऑक्टोपस अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार ही अंडे देते हैं। अंडे देने से पहले वो समुद्र में एक सेफ जगह को चुनते हैं और वहाँ एक साथ करीब 80,000 अंडे देती है। इसके अंडे दिखने में किसी अंगूर के गुच्छे की तरह होते हैं। अंडे देने के बाद मादा ऑक्टोपस उसके साथ ही रहते हैं और उसको सुरक्षा करते हैं। जब तक उस अंडों से बच्चा न निकल जाते तब तक मादा ऑक्टोपस बिना कुछ खाए पिए वही रहती है। करीब 10 महीने के बाद उस अंडे से बच्चे निकलते हैं और उतने समय कुछ न खाने की वजह से मादा ऑक्टोपस मर जाते हैं। अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नंबर 6, हॉर्न शार्क। शार्क का नाम सुनते ही हमें बड़े बड़े खतरनाक शार्क की याद आ जाते हैं, लेकिन हॉर्न शार्क इससे बिल्कुल अलग है और सबसे अजीब होते हैं इसके अंडे। वैसे तो शार्क का 70% प्रजाति बच्चे देती है और 30% अंडे देती है। हॉर्न शार्क के अंडे दिखने में किसी अंडे जैसा नहीं है। इसके अंडे स्पाइरल और समुद्री ओएस्टर की तरह होते हैं। अंडे की बाहर की सेल काफी ज्यादा मजबूत होती है। ये बच्चों को बाहरी खतरों से बचाते हैं। हॉर्न शार्क अंडे देने के बाद उसे एक सुरक्षित जगह पे छुपा देते हैं और करीब 10 महीने बाद उससे बेबी शार्क निकलता है। नंबर 5, गैंट वाटर बग। दुनिया के लगभग हर छोटे झील या तालाबों में इसे देखने को मिलता है। गर्मियों के मौसम में मादा बग अंडे देती है और नर बग उस सभी अंडों को अपनी पीठ में चिपका कर उसे सुरक्षित रखते हैं। मादा बग एक साथ कम से कम 1500 तक अंडे दे सकती है। करीब 2 हफ्ते बाद उस अंडे से बेबी बग निकलता है। नंबर 4, टैसिलियन। टैसिलियन कुछ कुछ केंचुए की तरह दिखता है। इसकी करीब 10 प्रजातियां इस दुनिया में मौजूद है। वैसे तो ज्यादातर प्रजातियां बच्चे ही देते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसे हैं जो कुछ अनोखे दिखने वाले अंडा देते हैं। लेकिन ये अंडा इतना साफ होता है कि आप इसे बाहर से भी बच्चों की ग्रोथ को देख सकते हैं। ये बहुत अजीब दिखने वाला प्राणी है और मिट्टी के अंदर रहती है। नंबर 3, येलो हेड जेलफिश। दुनिया में जितने सारे मछली हैं सभी बच्चों की हिफाजत मादा मछली ही करती है, लेकिन ये मछली बिल्कुल अलग है। मादा मछली अंडे देने के बाद नर मछली के मुंह में छुपा देती है और जब तक अंडे से बच्चे बाहर न निकले उसे मुंह में छुपा के रखती है। कभी कभी वो अंडे को मुंह से बाहर लाते हैं ताकि बच्चे सांस ले सके। करीब 9-10 दिन में मुंह में रखने के बाद उनमें से बच्चा निकलता है। नंबर 2, सी हॉर्स। इस दुनिया में जितने सारे जीव हैं उनमें से सिर्फ मादा ही अंडे या फिर बच्चा पैदा कर सकती है, लेकिन सी हॉर्स के लिए ये नियम लागू नहीं होते। मेल सी हॉर्स जन्म के समय से ही पाउच लेके पैदा होते हैं और अंडे देते वक्त मादा सी हॉर्स उस पाउच में 1000 से 1500 तक के अंडे देती है। नर सी हॉर्स लगभग 1 महीना उस अंडे की देखभाल करते हैं जब तक अंडे से बच्चे न निकले। बच्चा निकलने के बाद वो बच्चों को पानी में छोड़ देते हैं। नंबर 1, ग्रीन लेसविंग। ग्रीन लेसविंग एक प्रकार का कीड़ा है। इसे ज्यादातर खेतों में देखने को मिलता है। इसके अंडे दिखने में काफी अजीब होते हैं और ये अपने अंडों की सुरक्षा के लिए उसे पैरों पे उल्टा लटका देते हैं। अंडे देने के वक्त वो हरे रंग का होता है और धीरे धीरे सफेद होते जाते हैं। लगभग 4-5 दिन के बाद उस अंडे से बच्चे निकलते हैं। एक एडल्ट लेसविंग एक साथ करीब 200 अंडे दे सकती है। तो ये थे अनोखे अंडे। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।